नमस्कार, मैं मुकेश सिंह शोधार्थी समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग शासकीय जय योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम एनवायरनमेंट पर्यावरण विषय के अंतर्गत पर्यावरण नीतियां और कानून के संबंध में चर्चा करेंगे, अर्थात एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड लॉज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इनके इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में देखेंगे। परिचय अर्थात पर्यावरण जो नीति और कानून है उनसे संबंधित। भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से ओतप्रोत थी, तो वैदिक संस्कृति पर्यावरण संस्कृति हेतु उनके संरक्षण हेतु पर्याय बनी रही। भारतीय मनुष्यों ने समूची प्रकृति ही क्या सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना, ऊर्जा के स्रोत सूर्य को देवता माना तथा उसको सूर्य देवो भव कहकर पुकारा करते थे। भारतीय संस्कृति में जल को भी देवता माना गया है, सरिताओं को जीवनदायिनी कहा गया है, इसलिए प्राचीन संस्कृतियां सरिताओं के किनारे उपजी और पनपी है। भारतीय संस्कृति में केला पीपल तुलसी बरगद आम आदि पेड़ पौधों की पूजा की जाती रही है। मध्यकालीन एवं मुगलकालीन भारत में भी पर्यावरण प्रेम बना रहा। अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक कारण के कारण पर्यावरण को नष्ट करने का कार्य प्रारंभ किया। विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन भारतीय पर्यावरण में ब्रिटिश काल में ही दिखने लगा था। स्वतंत्र भारत के लोगों में पश्चिमी प्रभाव औद्योगिकीकरण तथा जनसंख्या विस्फोट के परिणामस्वरूप तृष्णा जाग गई, जिसने देश में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संबंधी नीतियां तथा कानून का निर्माण की गई। भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया था, परंतु सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से नहीं जुड़ा था। सन 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा। सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48A तथा 51A जोड़े। अनुच्छेद 48A राज्य सरकार को निर्देशित देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। अनुच्छेद 51AG नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते औद्योगिकीकरण शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई। पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी से प्रभावी नियंत्रण व प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय समय पर अनेक कानून व नियम बनाए। इनमें से अधिकांश का मुख्य आधार प्रदूषण नियंत्रण व निवारण था। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य कानून व नियम जो है वह निम्नानुसार है। जल प्रदूषण संबंधी कानून रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण संबंधी कानून फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भूमि प्रदूषण संबंधी कानून फैक्ट्रीज एक्ट 1948 VI, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1951 में आया, और इसके जैसे ही अर्बन लैंड वन तथा वन्यजीव संबंधी कानून फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995, जैव विविधता अधिनियम 2002 में इस तरह के कानूनों का निर्माण किया गया। तो सर्वप्रथम हम जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा 1970 के बारे में देखेंगे। निरंतर बढ़ते हुए जल प्रदूषण के प्रति सरकार का ध्यान 1960 के दशक में गया, और सर्वप्रथम वर्ष 1963 में गठित समिति ने जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की। 1969 में केंद्र सरकार द्वारा एक विधेयक तैयार किया गया, जिसे संसद में पेश करने से पहले इसके उद्देश्यों व कारणों को सरकार द्वारा इस प्रकार बताया गया। उद्योगों की वृद्धि तथा शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के फलस्वरूप हाल में वर्षों में नदी तथा दरियाओं के प्रदूषण की समस्याएं काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण बन गई है। अतः यह आश्वस्त किया जाना आवश्यक हो गया है कि घरेलू तथा औद्योगिक बहिश्राव उस जल में नहीं मिलने दिया जाए जो पीने के पानी के स्रोत हैं, कृषि उपयोग तथा मत्स्य जीवन के पोषण के योग्य हो।
यह विधेयक 30 नवंबर 1972 को संसद में प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों से पारित होकर के इस विधेयक को 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 जो है कहलाया। यह अधिनियम 26 मार्च 1974 से पूरे देश में लागू माना गया। यह अधिनियम भारतीय पर्यावरण विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास है, जिसमें प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस अधिनियम ने एक संस्थागत संरचना की स्थापना की, ताकि वह जल प्रदूषण रोकने के उपाय करके स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। इस कानून ने एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की। इस कानून के अनुसार कोई व्यक्ति जो जानबूझकर जहरीले अथवा प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को पानी में प्रवेश करने देता है जो कि निर्धारित मानकों की अवहेलना करते हैं, वह व्यक्ति अपराधी होगा तथा उसे कानून में निर्धारित दंड दिया जाएगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1970 भी एक अन्य महत्वपूर्ण कानून है, जिसे राष्ट्रपति ने दिसंबर 1970 को मंजूरी प्रदान की। जहाँ एक ओर यह जल प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक अधिकार देता है, वही जल प्रदूषण करने पर दंड का भी प्रावधान भी करता है। उसी प्रकार से वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के संबंध में देखेंगे, बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण तथा उसकी रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के पारित होने के पीछे सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन की भूमिका रही। इनकी प्रस्तावना में कहा गया है कि मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु समुचित कदम उठाना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण का नियंत्रण सम्मिलित है। यह 29 मार्च 1981 को पारित हुआ तथा 16 मई 1981 से लागू किया गया। इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। 1987 में इस अधिनियम को शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही वायु प्रदूषण अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत केंद्रीय बोर्ड को मुख्यतः राज्य बोर्डों के काम में तालमेल बैठाने के अधिकार दिए गए हैं। राज्यों के बोर्डों से परामर्श करके संबंधित राज्य सरकारें किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है और वहां स्वीकृत ईंधन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का प्रयोग ना रोक लगा सकती है। इस लेख न अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में ऐसे कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं खोल सकता जिससे वायु प्रदूषण अनुसूची में उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के कारकों को देखते हुए इस प्रकार के नियंत्रण संबंधी अधिनियम पारित किया गया। अब हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में चर्चा करेंगे। कृषि उद्योगों और शहरीकरण से वनों का काफ़ी कटाव हुआ है। वनों के अधिक कटाव से अनेक वन्य जीव जंतुओं कई प्रजातियों का तो लुप्त हो गई है या लुप्त होने के कगार पर है। वन्य जीव के महत्व को ध्यान में रखकर व लुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सन 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के अंतर्गत वन्य जीव पार्क और अभ्यारण्य बनाए गए। 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारत जीव जंतु और वनस्पतियों की समाप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समझौते का सदस्य बना। यह सदस्यता 1976 को प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का मानव और जैव मंडल कार्यक्रम भी भारत में चलाया गया और विलुप्त होती विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाए गए। सिंह अर्थात बाघ संरक्षण के लिए 1972 में, बाघ के लिए 1973 में, सिंह संरक्षण के लिए 1972 एवं बाघ के लिए 1973 में, मगरमच्छ के लिए 1984 में तथा भूरे रंग के हिरण के लिए ऐसी परियोजनाएं चलाई गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था है। उसी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी वन भूमि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गैर वन भूमि या किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में लाई जा सकती ना ही आरक्षित की जा सकती है। आबादी के बढ़ने तथा मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का काटना स्वाभाविक है, अतः ऐसे कार्यों की योजना बनाते समय तथा वनों को काटने हेतु मार्गदर्शिकाओं तैयार की गई है जिससे वनों को कम से कम नुकसान हो। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून भी भारत सरकार के द्वारा पृथक अधिनियम का प्रावधान नहीं है। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए पृथक अधिनियम का प्रावधान नहीं है। भारत में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही शामिल किया गया है। ये जो है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में सन 1987 में संशोधन करते हुए इसमें ध्वनि प्रदूषकों को भी वायु प्रदूषकों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अधीन भी ध्वनि प्रदूषकों सहित वायु तथा जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। इसका प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 पारित किया गया है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं। विद्यमान राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषकों को आपराधिक श्रेणी में मानते हुए इसके नियंत्रण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 268 तथा 290 का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून भी बनाई गई है। अब हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में जो रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह पूरे देश में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति अधिनियम 2002 में लाया। यह 21वीं सदी में जल की महत्व को स्वीकारते हुए जल संसाधनों के नियोजन विकास और प्रबंधन के साथ ही इसके सदुपयोग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति पारित की। इसमें जल के प्रति स्पष्ट व व्यवहारिक सोच अपनाने की बात कही गई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मानव जीवन के लिए जल के अति महत्व को देखते हुए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और सभी प्रकार की आर्थिक एवं विकासशील गतिविधियों के लिए और इसकी बढ़ती कमी को ध्यान में रखते हुए इसका उचित प्रबंधन तथा न्यायसंगत उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय जल नीति की सफलता पूर्णता इसमें निहित सिद्धांतों एवं उद्देश्यों पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति तथा वचनबद्धता बनाए रखने पर निर्भर करेगी। अब हम पर्यावरण नीति राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में देखेंगे। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने दिसंबर 2004 को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि समस्याओं को देखते हुए एक व्यापक पर्यावरण नीति की आवश्यकता है, साथ ही वर्तमान पर्यावरण नियमों तथा कानूनों को वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में संशोधन की आवश्यकता को भी दर्शाया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो 18 दिसंबर 2006 को पास हुआ। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों की भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है जिनसे औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया हुआ था। इसका उद्देश्य जहां एक ओर वन संरक्षण है और दूसरी ओर यह जंगलों में रहने वाले लोगों को उनके साथ सदियों तक हुए अन्याय की भरपाई का भी प्रयास करता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के नीति नियम कानून बनाए गए हैं जिसका हम निष्कर्ष देखेंगे। भारत सरकार के उन थोड़े से देशों में से एक है। भारत संसार के उन थोड़े से देशों में से एक है जिनके संविधानों में पर्यावरण का विशेष उल्लेख है। भारत ने पर्यावरणीय कानूनों का व्यापक निर्माण किया है तथा हमारी नीतियां पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल दर्शाती है। जैसे दिल्ली में यमुना नदी एक नाला बनकर रह गई है। वन क्षेत्र में कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके परिणाम हमें अभी हाल ही में बिहार में आई भीषण बाढ़ के रूप में स्पष्ट देखने को मिली थी कुछ समय पहले।
इस दिशा में पर्यावरण नीति 2004 को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों से स्वच्छ पर्यावरण मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। दिल्ली में प्रदूषित इकाइयों की बंदी तथा स्थानांतरण का भी पहल जारी है। तो इस तरह से हम सभी को मिलकर के पर्यावरण संरक्षण के लिए और जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम एवं नीति एवं कानून है उनका सभी को एक साथ मिलकर के उनके नियमों का पालन करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पर्यावरण संरक्षित हो और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सभी को गंभीर होना चाहिए। आज सरकार तथा नीति निर्माताओं की सूची में पर्यावरण प्रथम मुद्दा है तथा वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर भी हो गए हैं। तो इस तरह से हम आज पर्यावरण के संबंध में देखें जो पर्यावरण की कुछ नीतियाँ और कानून हैं। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद।